एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। तो यहाँ पर जो है अम्मी बना रही हैं आम झोड़ा। तो आम को जो है हम लोग कल रात में ही पका लिए थे और उसके बाद जो है इसे पानी में डाल के रख दिए थे। तो इसे जो है अम्मी फेंट ले रही हैं। फेंटने के बाद जो है इसमें चीनी डाल के अच्छी तरीके से मिक्सी में ही फेंट लेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा फिटा गया था और उसके बाद इसमें चीनी डाल दिए हैं और उसके बाद इसे डाल देंगे। तो ये पूरा रेडी हो गया था। तो मैं आ गई थी फिर ब्रश करने के लिए। तो यहाँ मैं ब्रश कर ली थी। तो फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ आ गई थी छोटू बड़ू को भी उठाने के लिए। तो छोटू बड़ू जो है सब सो रहे थे। तो इन लोग को जो है बरामदा में ले आके मैं रख दूंगी। तो इन लोग को जो है मैं बरामदा में लेके चली गई थी। फिर बड़ू को मैं लेने आई थी तो बड़ू को भी ला के रख दी हूँ और गोलू को जो है मैं खोल दी थी। तो गोलू जो है रूम में ही बैठ गया था। मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर गर्म पानी मैं कर ली थी और उसके बाद अम्मी के लिए मैं बना दे रही हूँ जमैन का पानी। तो यहाँ जमैन डाल ली थी बनने के लिए और मैं पानी लेके आ गई थी पीने के लिए। तो इधर जो है गोलू खाना मांग रहा था तो मैं उसे खाना दे रही थी पहले। तो ये जो है सुबह उठने के बाद सबसे पहले ये अपना खाना ही मांगता है। तो इसी तरह ये परेशान कर देता है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे खाना दे रही थी तो ये अपना खाना खाने लगा था। फिर मैं ले ली हूँ पानी। तो यहाँ पर जो है मैं पानी पी ली थी और उसके बाद मैं चली गई थी अमझोड़ा पीने के लिए। तो मैं यहाँ अमझोड़ा ले ली थी पीने के लिए। पीने के बाद मैं चली गई थी छोटू बड़ू को नहलाने। तो यहाँ पर जो है छोटू बड़ू को मैं नहला के ली आई थी। तो इन लोग जो है आई थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ जो है आज अम्मी बना रही हैं गुड़म्मा। तो यहाँ पर जो है गुड़म्मा बनाने की तैयारी कर रही थी और नाश्ते के लिए जो है भुंजिया बन गया था। तो अभी रोटी नहीं बना है। तो अभी रोटी बन जाएगा तो मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और दाल रखे हुए हैं तो पकाने के लिए। तो दाल को डाल दिए थे पकने के लिए। आज हम लोग बना रहे हैं पटल का सब्जी। तो यहाँ पर जो है मसाला बना ले रहे हैं। तो रोटी बन गया था तो मैं नाश्ता कर ले रही हूँ पहले। फिर नाश्ता करने के बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जो है नाश्ता मैं कर ली थी और उसके बाद जो है तो हम लोग जो है गुड़म्मा बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर गुड़ को पिघला लिए थे और आम को जो है भाप लिए हैं। तो फिर इसमें जो है देगची में हम लोग लौंग डाल दे रहे हैं और घी ना देंगे। तो इसके बाद जो है आम डाल देंगे और आम डालने के बाद थोड़ी देर अच्छी तरीके से इसे तल लेंगे। तो यहाँ पर जो है आम ले रहे थे डालने के लिए। तो यहाँ पर आम डाल दिए हैं और अच्छी तरीके से तल ले रहे हैं। और तलने के बाद जो है इसमें गुड़ का रस डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है गुड़ का रस डाल दे रहे थे छान के, क्योंकि जो भी कचरा सब है सब निकल जाए इसलिए। तो यहाँ पर जो है पूरा डाल दिए हैं और ये अच्छी तरीके से पूरा उबल जाएगा जब तक। तो मैं ले आई हूँ चावल। तो चावल को जो है मैं धो ले रही हूँ। अब पानी गर्म हो गया था तो मैं यहाँ डाल दी हूँ तो पकने के लिए। और गुड़म्मा जो है हो गया था तो इसे जो है बंद कर दिए गैस को। अब पटेल का सब्जी जो है बना लिए हम लोग। तो इसे जो है थोड़ा सा पानी है इसका तो मैं सुखा दूँगी और दाल भी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो यहाँ पर जो है सारा खाना बन गया था। हम लोग जो है खाना खा लिए थे। खाना खाने के बाद यहाँ आइसक्रीम ले लिए थे खाने के लिए। तो आइसक्रीम जो है खा ले रहे हैं। फिर मैं आ गई थी बाहर। तो मैं जो हूँ बाहर आ गई थी। तो यहाँ मैं आई हूँ सब्जी मार्केट। तो मैं यहाँ शॉप पर से ले ली थी सामान। लेने के बाद जो है मैं यहाँ से निकल गई थी घर के लिए।
तो मैं सामान ले ली हूँ और सामान लेने के बाद अब मैं घर के लिए निकल गई हूँ। तो मैं यहाँ से घर चली गई थी, फिर घर जाने के बाद जो है मैं सामान रख दी थी और सामान रखने के बाद मैं निकल गई थी दूसरे शॉप के लिए। तो मैं यहाँ जा रही हूँ दूसरे शॉप पर, तो मुझे कुछ और भी लेना था, फिर ग्रोसरी शॉपिंग भी करना था। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ दूसरे शॉप पर। तब मैं यहाँ शॉप पर आ गई हूँ, तो यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था। तो फिर मैं सामान लेने के बाद यहाँ से निकल गई थी। तो मैं यहाँ से निकलने के बाद जा रही हूँ दूसरे शॉप पर, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। तो घर में जो है घटा हुआ था जो भी सामान, तो मैं आ गई हूँ ग्रोसरी शॉप पर। तो ये जो शॉप है मेरे घर के पास ही है, तो यहाँ पर जो है आने में मेरे को ईजी पड़ता है। तो कुछ भी सामान घटता है तो मैं यहाँ हमेशा आ जाती हूँ लेने के लिए। तो मैं यहाँ बास्केट ले ली थी सामान लेने के लिए, तो मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ। जो जो सामान घटा हुआ है घर का, तो सब सामान फटाफट मैं ले लूँगी। फिर यहाँ से मैं सारा सामान ले ली थी। सारा सामान लेने के बाद मैं चली गई थी बिलिंग कराने के लिए। बिलिंग कराने के बाद मैं निकल गई थी घर के लिए। तो मुझे उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा।